ये अपने केदारनाथ में है, केदारनाथ टेंट में क्या हो रहा है? डांसिंग टेंट है ये। ये दर्शक है, सब टेंट को देख रहे दर्शक, देखिए गाइस ये सब दर्शक। ये यहाँ वीडियो बन रही एक फाइनली अपने पहुंच गए सोनप्रयाग। अपने गाड़ियां पार्क लगा दी, पीछे गाड़ी पार्किंग कर दी और अभी अपना सामान दे गए, जो अपने एक्स्ट्रा में दे गए लगा रहे छोटा छोटा, और बाकी बड़े बैग है वो यही रखते हैं। ठीक है गाइस, और अपने सामने के पार्किंग है, और ये सामने पार्किंग है, और अपने पार्किंग कर दी गाड़ी, और ये आगे कराते बैग जमा में निकलते हैं। तो इसमें यहाँ बाइक के 250 है पार्किंग, और कार के 500 रुपया है। तो लास्ट टाइम गाड़ी लेके आए थे 550 रुपये का, बाइक फ्रेंड 200 लगे। जब देख के बताते कैसा लगता है जमा करने का, बस क्या क्या हेलमेट का अलग से 100 रुपये डालते हैं, तो बैग में ही स्पेस हो गया, बैग के अंदर हेलमेट डाल दिया, उसके बाद उसमें 50 रुपये कम लगेंगे, देखना पड़ता है। ये देखिए भाई, ये हरियाणा से आए हैं सारे, ये सोच रहे हैं अपने रेनकोट स्लीपिंग बैग ले या ना ले, सोच रहे हैं। ये युवराज जी ने अपना बैग चक लिया, ये गंसी में इसने अपना बैग चक लिया, ये साहिल ने बैग चक लिया। तो अभी स्टार्ट करते हैं, निकलते आगे बैग जमा कराते हैं, बैग जमा करते हैं और निकलते आगे गाइस करते हैं। तो रात को 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो वहाँ फिर रात को टेंट लेंगे, टेंट में सोएंगे। तो चलते गाइस कराते हैं बैग जमा, अभी अपने यहाँ बैग वगैरह जमा करा दिए हैं, अब निकलते आगे। और अभी तो अभी अपने सोनपुर आ गए, यहाँ से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल, फिर आगे हमें गवर्नमेंट बस मिलती है, गवर्नमेंट अलग होती है वो 5 किलोमीटर बस थोड़ी 50-60 रुपये पर डे किराया होता है, मतलब पर पर्सन 50-60 रुपये किराया होता है। लास्ट टाइम मैं जब 50 रुपये किराया था, इससे अपना बढ़ गया था, बढ़ गया होगा शायद। तो इस चलते आगे इस अब निकल रहे पार्टी, अभी पार्टी से बाहर आ रहे हैं, अभी 1 किलोमीटर चलना है पैदल अपने को, फिर अपने गोरमेंट बस मिलेगी, तो अपने देवकुंड छोड़ेगी, देवकुंड में नाचा के निकल जाएगा। पार्किंग है, यहाँ से अभी निकलते हैं, चलते फिर आगे, थोड़ा आगे मिलते हैं गाइस। सो सी यू अगेन, मिलते हैं गाइस। अपन लग गए लाइन में, रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है, इसमें चेक करा के निकलते हैं आगे। तो गाइस अपना रजिस्ट्रेशन अभी रजिस्ट्रेशन हो गया चेक, अब निकल रहे आगे चढ़ाई के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट है पैदल चढ़ाई गाइस, तो देखिए काफ़ी लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, साथ में अपने निकल गए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पैदल चढ़ाई, ये देखिए गाइस यहाँ साथ साथ बैठे हैं। अभी तो ईजी रोड है, आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है, देखते हैं क्या सीन होता है। बने रही है ब्लॉग में, हर एक चीज़ बताएंगे आपको, केदारनाथ से जुड़ी हर एक चीज़ बताएंगे। जो अपने सेकंड टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अच्छा, सेकंड टाइम देखिए कैसा होता है। बट इस सब गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस तरह अपने नॉर्मल भीड़ थी, सुबह निकले थे, शाम तक नॉर्मल हो गया था। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और इतने लोग अभी चढ़ रहे हैं, जो अभी इतने लोग चढ़ रहे हैं 2-3 बजे पहुँचेंगे, और कुछ लोग बताए 12-10 बार घंटे लगा देते हैं। देखते हैं कैसे होता है गाइस आगे। देखिए या रेनकोट वगैरह मिल रहे हैं, अपने पास रेनकोट है, पिछले सालों में पड़ा है, जो अभी अपने गंगोत्री में वो भी पड़ा है। वैसे अभी तक यहाँ तो काफ़ी गर्मी लग रही है, अपने जैकेट खोल दिया, बड़ा सा जैकेट ठंड लगी आगे तो पहन लेंगे, बड़ा क्या जैकेट वगैरह मफलर सब मिल रहा है। और टेंसी की चीज़ कुछ चीज़ ज़्यादा भूल गए हैं, तो आप हर एक सुख सुविधा मिलेगी आप ले सकते हैं। इसी मौके सामने केदारनाथ धाम आपका स्वागत करता है, देखिए ऐसा हो रहा चलते आगे मस्ती से। तो मैं सो के आराम से ऊपर चले गए, कोई टेंशन की बात नहीं है, सो जा चलते हैं। अपने आगे आ गए, ये गुरु को छोड़ दी, ये लोकल जीप पे जाती है, गवर्नमेंट होती है, जीप का नंबर लिखा होता है यहाँ, देखिए वन फोर्टी अपनी जीप है 89, अपने जीप में बैठते हैं चलते आगे। सुनो 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 अरे ये थोड़ा मेंटल निकलते हैं भैया, अपने अपने गाड़ी में आ गए, और गाड़ी यहाँ से रवानी होगी, वो निकलते हैं अपने गोरीकोड अपने गोरीकोड चले गए, वहाँ से स्टार्ट है। मिल तो मिल
अपने ब्राह्मण नाम पे कलंक आज मेंटली इसकी इसका मस्सी नहीं है किसी को तो किसी को दर्शन नहीं करते यहाँ से अपने गाड़ी में निकल चुकी है अपनी गाड़ी और कुछ लोग यहाँ से भी पैदल जाते रहे ऐसा ही हटो भी लोग पैदल जा रहे हैं इसलिए यहाँ से भी काफ़ी लोग पैदल भी जा रहे हैं भाई गाड़ी लाइन लगी है गाड़ी नंबर लगा हुआ है सारी गवर्नमेंट गाड़ी होती है देखिए सब गवर्नमेंट गाड़ी होती है मतलब पर्सनल व्हीकल नहीं चला सकते यहाँ पर सिर्फ जो गवर्नमेंट देती है सर्टिफिकेट वही गाड़ी चलती है सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन यहाँ पर गाड़ी चलती है ये सबको नंबर मिला हुआ है टोटल यहाँ 300 गाड़ियाँ हैं तो 300 ही गाड़ी अप डाउन करती रहती है उनमें लोग बैठे आते हैं तो कई बार इस बार तो गाइस अपने आराम से आ गए लास्ट टाइम तो आधे घंटे गाइस फाइनली अपने आगे आ गए अपनी गाड़ी मेले में आए थे जिसने अपने उतार दिए अब यहाँ ट्रेक स्टार्ट होती है यहाँ से अपने चलेंगे अभी देव यहाँ से अपने चलेंगे गोरीकुंड से आगे गोलकुंड में आएंगे स्नान करेंगे फिर पैदल ट्रैक चालू करते हैं तो गाइस चलते आगे आगे सी यू अगेन गाइस लोग बड़े अभी और अभी टाइम हो रहा है गाइस बज रहे हैं 7:30 तो अभी ट्रैकिंग स्टार्ट किया 7:30 बजे तो गाइस अभी अपने यहाँ से लिए लकड़ी यहाँ लकड़ी मिल रही है मात्र 20 रुपये में और ये लकड़ी 20 रुपये में और आगे मिलते हैं गाइस 100-150 रुपये तो गाइस स्टार्टिंग आप जब भी आए गोरीकुंड पे स्टार्टिंग में लकड़ी ले लें एकदम हल्की लकड़ी है तो गाइस आगे मत लेना स्टार्टिंग लकड़ी 20 रुपये मिल रही है मात्र ऊपर वही चीज़ 150 की मिलेगी और अपने 1 किलो केला लिया 12 पीस 70 रुपये में है और वही केले ऊपर 200 से 300 मिलेंगे तो गाइस लो मस्ती है चलो ऊपर मज़े मारते हैं तो मिलते हैं गाइस लकड़ी मस्त लकड़ी मिली 20 रुपये में गाइस अपने यहाँ गोरीकुंड का पानी खाली कर रहे हैं क्योंकि सुबह भरा जाता है शाम को खाली कर जाता है तो अपने आज हो गए लेट और गोरीकुंड का पानी वगैरह खाली है तो आज तो स्नान तो कर नहीं पाएंगे इसलिए बिना स्नान कर आगे निकलते हैं और आता फिर स्टार्ट होते हैं चलते गाइस निकलते आगे अब स्नान करना पॉसिबल नहीं होगा पैदा को निकलते आगे गाइस ये अपने केदारनाथ में और ये केदारनाथ टेंट में क्या हो रहा है डांसिंग टेंट है ये दर्शक है सब टेंट को देख रहे दर्शक देखिए गाइस ये सब दर्शक ये यहाँ वीडियो बन रही है अभी टाइम हो रहा है सुबह 2 बज रहे हैं और रात में ट्रैकिंग स्टार्ट की थी हमारे साथ 2 जने थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिया अपने रात में टेंट लेना पड़ा तो रात को 3:30 बजे टेंट लिया 2 की वजह से हम लोगों ने और अब उठे हैं अब उठ के रात को 2-3 बजे टेंट लिया 3:30 बजे नींद आई अभी 6 घंटे नींद होगी 9 बजे उठे हैं अभी गाइस तैयार होते हैं और निकलते हैं मंदिर के लिए आसपास मंदिर 6 किलोमीटर और बजे 9 बजे देखते कब तक मंदिर पहुँचते हैं आगे चौपर चल रहे हैं काफी पास आगे चौपर ही थी पास निकल रहे अपने साइड में टेंट है टेंट है ये 10 जनों का टेंट है बट हमने पर्सनली लिया था ये टेंट हमें 800 का पड़ा साथ में सामान वगैरह मोबाइल से तो रिक्स रहता है तो हमने अलग से हमारा टेंट लिया जो हमें 800 में ऊपर टेंट कोई कॉस्टली नहीं है बड़ा सा टेंट मिले 5-7 हजार गद्दे का सब मिलेगा नॉर्मल है चलते हैं सब आगे मिलते हैं अपने गाइस ये हम टेंट से बाहर आ गए अभी और ये टेंट अपना के सामने तमस ग्लेशियर है ये देखिए पूरी बर्फ जमी है ऊपर काफी धूप हो रही लोग आ रहे हैं ये शॉर्टकट ले रहे लोग इसके तमस ग्लेशियर सामने और अब निकलते हैं अपने आगे चढ़ाई के लिए तो मिलते हैं आगे सी हो गया मिलता है तो गाइस देखिए ये सामने जो रास्ता है जन नदी हो रही ये अपने 2013 से पहले पढ़ ले आई थी उससे पहले ये रास्ता था जो सिर्फ 13-14 किलोमीटर था वही रास्ता 24 किलोमीटर कर दिया क्योंकि ट्रैक पूरा हो गया यहाँ से पूरा कर दिया है लंबा अब पहले शॉर्ट था पहले बस थोड़ी खड़ी रही थी अब थोड़ा आराम है बट वो ज़्यादा फ़र्क आ गया कहाँ 13-14 कहाँ 24 किलोमीटर सिर्फ 10 किलोमीटर फ़र्क आ गया बाकी अब सामने क्लास दिख रहा है आपको पर्वत ही देखा अब ज़्यादा दूर नहीं है अपना 2-2.5 किलोमीटर है तो मान लो 2 किलोमीटर 2 या 2.5 घंटे पहुँच जाएंगे अपने
तो ये अपने नॉर्मल रास्ते है सर, ये शॉर्टकट है, या कम ही लोग आ रहे हैं कि यार डिफिकल्टी ज़्यादा है, पढ़ने का रिस्क है, कम लोग आ रहे हैं, तो चलते गए यहाँ से अपने अभी आगे। वाइस फाइनली ऊपर आ गए, यहाँ से मात्र 500 मीटर बचा है, हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है अभी, और सामने ग्लेशियर दिख रहा हो आपको, सामने ग्लेशियर है, अपने पहुंच गए, भीड़ काफ़ी ज़्यादा उसके खतर हो गया, रेंट पे चीज़ खतर मिल रहे हैं आप, बस अभी अपने आप चाय पी, जो ऊपर का समुद्र 50 रुपये है, और उस लेरी पानी बोतल ली 150 में, 150 रुपये 20 रुपये बोतल 150 मिल रही है, चढ़ाई हुई है इतना कॉस्टली, जूस का आइटम 150, 5-10 रुपये अच्छा 60-70 रुपये में चलते आ गए, तो वाइस चलते आ गए और मिलते मंदिर के पास, देखिए अपने फाइनली पहुँच गए केदारनाथ, सामने भैरव बाबा विराजमान है, तो थोड़ा आगे केदार बाबा, अभी अपने चलते आगे, अभी मुश्किल से मुश्किल 500 मीटर बचा हुआ हमको, बस निकलते हैं, और ये अपने ले लिए प्रसाद, ये चौपा स्टेशन है, यहाँ चौपा आ रहे हैं, घर आर हो रहा है, प्रसाद लेके लिए है, अब निकलते हैं फटाफट मंदिर की ओर, फिर करते हैं मंदिर में दर्शन, फिर आगे मिलते हैं, तो ये सभी एक चौपर गया और ये दूसरा चौपर आ गया, नहीं चलता है 5 मिनट, एक चौपर आता ही जाता है, एक जाता ही आता है, एक गया दूसरा आ गया, अपने आगे अपने पहले हुआ था उसके, मेरे पास रिजिशन चेक हुआ, उसके बाद केदारनाथ हो गया, रजिशन चेक करने के बाद अपने मिला टोकन, इस टोकन आगे मंदिर में एंट्री मिलेगी, बिना टोकन एंट्री नहीं मिलेगी, तो अपने वो टोकन मिल गया, रजिशन था अपना, इस तो टोकन लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर, तो फिर थोड़ा नंबर आता है, फिर चलते हैं बाबा केदार के पास, ये अपना प्रसाद, सामने बाबा केदार विराजमान है,